अल्ट्राबाइक्स प्रेजेंट्स एन ऑल न्यू इलेक्ट्रिक फैट बाइक डैजल, जिसकी खास बात यह है कि ये फोल्डेबल इलेक्ट्रिक फैट बाइक है। जी हाँ दोस्तों, ये आसानी से फोल्ड होकर कॉम्पैक्ट बन जाता है, सो दैट इसको लेकर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये बिगर बैटरी एंड पावरफुल 350 वॉट मोटर के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी एसेंशियल फीचर्स के साथ आता है। सो एज आई से, डैजल एक इलेक्ट्रिक फैट बाइक है जो फोल्डेबल प्रॉपर्टी के साथ आता है, और ये दो जगह से फोल्ड होता है, फ्रॉम द सेंटर एंड द हैंडल बार, और फोल्ड होते ही ये काफी कॉम्पैक्ट बन जाता है, सो दैट इसको लेकर आप आसानी से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। इवन इसकी डिजाइन भी काफी अर्गोनॉमिक है, चाहे वो बैटरी की प्लेसमेंट हो, कैरियर हो या फिर हैंडल बार, ये सब कुछ बाइक की लुक को काफी जस्टिफाई करता है। वैसे हालांकि यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग थोड़ा फिल्दी एंड अनक्लीन सा दिख रहा होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेस्ट यूनिट है, तो इसलिए रैपर वगैरह हटाया नहीं गया है, बट एक्चुअल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वेल, इसकी डिजाइन की बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी सीट पोस्ट एंड हैंडल बार की हाइट एडजस्टेबल है, तो आप चाहे 5 फीट के हो या फिर 6 फीट के, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर राइड एंजॉय कर सकते हो। और अच्छी बात है कि इसकी सीट काफ़ी ब्रॉड है और एक कुशनिंग टाइप भी है, सो आई गेस इसकी सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एनीवे, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी 16 इंचेस फ्रेम को क्राफ्ट किया गया है लाइटर फॉर्म ऑफ कार्बन स्टील से, विच इज़ नॉट ओनली स्ट्रॉन्गर बट लाइट इन नेचर। वैसे कंपनी इसकी टोटल वेट क्लेम करती है 25 kg विद अ लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 150 kg। इस फोल्डेबल इलेक्ट्रिक फैट बाइक की पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इसमें 36 वोल्ट 350 वॉट की पावरफुल BLDC रियर हब मोटर यूज किया है, जो अप टू 48 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। सो क्योंकि टॉर्क काफी ज्यादा है, सो आई गेस इसके साथ स्टीप क्लाइंबिंग में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। वैसे अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो एज पर कंपनीज क्लेम इसकी टॉप स्पीड है 30-35 kmph। डैजल को पावर मिलता है एक 36 वोल्ट 15 एम्पीयर आवर की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी पैक से, और ये करीब 800 टू 1000 चार्जिंग साइकिल्स के साथ आता है। और वैसे बैटरी की प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है, बट हाँ इसे निकालना आपके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है, क्योंकि बैटरी को रिमूव करने के लिए पहले पूरा सीट पोस्ट को निकालना पड़ता है। वैसे ये डिज़ाइन का ही पार्ट है, तो ये आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एनीवे, अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग के लिए इसके साथ आपको 3 एम्पीयर की चार्जर मिलेगा, जो इस बैटरी को करीब 3-4 घंटे में फुल्ली चार्ज करके देगा। और एक बार चार्ज होने के बाद पर चार्ज एज पर कंपनीज क्लेम इसके साथ आपको अप टू 60 किलोमीटर्स का रेंज मिलेगा विद पैडल असिस्ट। वैसे पैडल असिस्ट के लिए इसके साथ आपको 12 मैग्नेट्स 5 लेवल्स ऑफ असिस्टेंस दिया गया है, जो कि इस LCD पैनल से कंट्रोल होता है। और हाँ, इसमें क्रूज मोड भी दिया गया है, तो आप इस बाइक को ऑटो पायलट मोड में चला पाओगे। बात करें अगर इसकी व्हील्स की, तो क्योंकि ये फैट बाइक है, तो इसलिए इसमें हमें 20x4 इंचेस की वाइड व्हील सेट देखने को मिलता है, वो भी अ पेयर ऑफ मेटल मड गार्ड्स के साथ। और क्योंकि ये वेल ट्रेडेड ऑल टेरेन टायर्स है, तो इसलिए इसे सैंड, मड एंड रफ टेरेन्स पे आसानी से चलाया जा सकता है। इसके अलावा राइडिंग के दौरान होने वाले जर्क्स को रिड्यूस करने के लिए इसमें फ्रंट फोर्क सस्पेंशन भी दिया गया है, और ये 100 mm ट्रैवल के साथ आता है। सो क्योंकि टायर्स काफ़ी वाइड है और सस्पेंशन की ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आई बिलीव इसका राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। इसके अलावा अगर इसकी गियर सिस्टम की बात करें, तो डैजल में आपको शिमानो टॉनी की 7-speed गियर सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड एज पर कंपनीज क्लेम इसमें शिमानो की ओरिजिनल TX50 शिफ्टर यूज किया गया है। सो क्योंकि इसमें शिमानो की ओरिजिनल गियर सिस्टम दिया गया है, सो आई बिलीव इसका गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ रहेगा। इसके अलावा इसमें ऑटो पावर कट ऑफ के साथ 160 mm ड्यूअल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक्स है, इलेक्ट्रिक हॉर्न है, हेडलाइट है, और सबसे अच्छी बात इसमें बैटरी कनेक्टेड एंड ब्रेक इंटीग्रेटेड टेल लाइट भी दिया गया है, जो मोटरसाइकिल की तरह ब्रेक दबाने पे जलता है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें टर्न इंडिकेशन भी इंक्लूडेड है, और जिसे इस स्विच की मदद से ऑपरेट किया जाता है। इवन बेसिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इग्निशन की भी दिया गया है, जो इस बैटरी के साथ इंटीग्रेटेड है,
मतलब एक ही की से आप साइकिल को स्टार्ट करने के साथ साथ बैटरी को लॉक एंड अनलॉक भी कर पाएंगे। इसके अलावा इसके साथ आपको एक नंबर वायर लॉक और टूल किट भी दिया जाएगा। तो ये सारे स्पेक्स एंड फीचर्स के लिए कंपनी ने इस डैजल फोल्डेबल इलेक्ट्रिक फैट बाइक की कीमत रखी है 48,000 rupees विद 18 मंथ्स ऑफ वारंटी ऑन बैटरी, 2 इयर्स ऑन फ्रेम एंड 1 ईयर ऑन रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो स्पेक्स, फीचर्स एंड डिजाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट लुकिंग फोल्डेबल इलेक्ट्रिक फैट बाइक, क्योंकि एट 48K आपको 15Ah की बिगर बैटरी मिल रहा है, वो भी पोर्टेबल। इसके अलावा 16A कंट्रोलर के साथ आपको पावरफुल 350W की मोटर मिल रहा है। इसमें 100mm का सस्पेंशन है, शिमानो की ओरिजिनल गियर सिस्टम है, ब्रेक इंटीग्रेटेड टेल लाइट है, इंडिकेशन लाइट है, इग्निशन की है और बाकी ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल फीचर्स इसमें दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में शायद ही आपको दूसरे फोल्डेबल इलेक्ट्रिक फैट बाइक में ऐसा देखने को मिलेगा। बढ़ा इन माय ओपिनियन 3A की जगह 5A की फास्ट चार्जर दिया जा सकता था। अदरवाइज कंपनी जो क्लेम कर रही है, अगर क्वालिटी वाइज सब कुछ सही है तो डेफिनेटली इट इज वर्थ बाइंग। वैसे दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन मैं अजय साइनिंग ऑफ।